हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म राजस्थान परीक्षा पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। इसी की तैयारी के लिए हमारा प्लेटफॉर्म, हमारा मंच कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ है। जो बच्चे सीईटी में अच्छा स्कोर अचीव कर रहे हैं, वो पॉजिटिवली एलडीसी या जो भी एग्जाम आगे टारगेट कर रहे हैं, उसके लिए वो अपनी मेहनत आगे शुरू कर चुके हैं। और ऐसे बच्चों के लिए ही स्पेशली जो एलडीसी को टारगेट कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए हमने एलडीसी ओरिएंटेड सेशंस, प्रैक्टिस सेशंस आपके लिए स्टार्ट कर दिए हैं। क्योंकि जो आपका एलडीसी का एग्जाम है, उसमें सेम टू सेम सीईटी का सिलेबस ही फॉलो हो रहा है। तो प्रैक्टिस के थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू ही आप जो सीईटी में आपने तैयारी की है, आप उस तैयारी को रिफाइन कर लेंगे और टॉपिक्स के साथ अपना जो सामंजस्य है वो अच्छे से बिठा लेंगे। ठीक है, तो मैं बढ़ रहा हूं आगे और अच्छे अच्छे प्रश्न, शानदार शानदार प्रश्न आपको सॉल्व करवाऊंगा रैपिड फास्ट वर्जन में। देखिएगा पहला क्वेश्चन दोस्तों, जो आपका सीईटी का एग्जाम हुआ, पिछले एलडीसी हुए, सब में देखा गया कि एग्जामिनर जो मेन टॉपिक है उसके आसपास के टॉपिक्स के क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है। ठीक है, जैसे कार्बन और कार्बन के यौगिक हैं, एग्जामिनर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अभिक्रियाओं से क्वेश्चन पूछ रहा है, यौगिकों के संकरण से, हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि 12th क्लास में आता है, 10th क्लास में है ही नहीं दूर दूर तक, लेकिन पूछ रहा है। यौगिकों की आकृतियां पूछ रहा है जो हाइब्रिडाइजेशन से निकाली जाती है। तो इसलिए अपने को टॉपिक्स के आसपास की चीजों को भी थोड़ा थोड़ा समेट लेना है। ठीक है, जैसे एक न्यूक्लियस की बात कर ली। अब कोई भी न्यूक्लियस है, उसको हम लिखते हैं, किसी भी नाभिक को हम जब दर्शाते हैं तो कैसे दर्शाते हैं, जेड एक्स ए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आपके सामने जो है इसको मैं बार बार रखता हूं। अब क्या हो रहा है कि इसमें से कह रहा है एक अल्फा कण निकल गया। दोस्तों अल्फा के बारे में पूछा जाता है, अल्फा क्या होता है, 2HE4। अब बताओ अल्फा कण निकल गया तो नीचे दो की कमी आ जाएगी, ऊपर चार की, जेड माइनस टू तत्व बदल जाएगा, तो एक्स की जगह वाई हो गया और ऊपर ए माइनस फोर। ठीक है, अब क्या निकल रहे हैं, दो बीटा। बीटा कण जब निकलता है, सुनना, बीटा कण जब निकलता है तो द्रव्यमान संख्या में कोई चेंज नहीं आता, नीचे परमाणु क्रमांक एक एक बढ़ जाता है। अगर दो बीटा बड़े होंगे तो जेड में कितने की वृद्धि हो गई होगी, दो की वृद्धि हो गई होगी। ठीक है, इसका मतलब है जेड माइनस टू पहले था, उसमें प्लस टू हो गया, तो वैल्यू पहले के जितनी आ गई जेड। ठीक है, अब पहले के जितनी जेड आ गई तो बताओ एलिमेंट को फिर एक्स दे देंगे, लेकिन ऊपर का नंबर अभी भी ए माइनस फोर ही है भाई। ऊपर का जो नंबर है वो स्टिल क्या है भाई, ये z लिख दिया, ये x लिख दिया, ये a माइनस फोर ही है। ठीक है, समझो दोबारा, जब अल्फा निकलता है परमाणु क्रमांक में दो की कमी, द्रव्यमान संख्या में चार की कमी आती है, और जब बीटा निकलता है तो परमाणु क्रमांक में एक की वृद्धि होती है। एक अल्फा निकला, नीचे दो की कमी, ऊपर चार की कमी हो गई। ठीक है, दो बीटा निकले तो नीचे दो की वापस वृद्धि हो गई, यहां दो कमी हुई थी, वापस वृद्धि हो गई दो की, मतलब पहले जितना परमाणु क्रमांक रह गया, तो परमाणु क्रमांक पहले जितना रह गया तो तत्व पहले जितना रह गया, इसलिए तत्व वही है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो गई, बदल गई। और दोस्तों ऐसे यौगिक, सॉरी ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, मास नंबर अलग अलग हो, उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें आइसोटोप कहते हैं, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। एग्जामिनर आपसे यही पूछ रहा है कि भाई जो बनेगा वो क्या बनेगा, क्या बोलेंगे इनको, आइसोटोप कहेंगे, इनको समस्थानिक के नाम से जाना जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है, मैं जहां तक मानता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, M1L2T-3A-2 विद्युत धारा जो CET में नहीं थी, LDC में आपको देखने को मिलेगी, ये टॉपिक वो है जो ऐड हो रहा है। ठीक है, तो M1L2T-3A-2 किसका डायमेंशन फॉर्मूला है, पहले हम शुरू करते हैं विभव। विभव बराबर होता है कार्य बट्टा आवेश। मैंने जब डायमेंशन सिखाए हैं कोर्स में, सबसे पहले मैंने आपको बेसिक फिजिक्स ही पढ़ाई है, तो कार्य का होता है M1T-2, है ना, आवेश का होता है धारा गुणा समय A1T1। जैसे इसको ऊपर ले गए M1L2T-3A-1, अरे T माइनस का हो गया, दो में जुड़ गया -3। ठीक है, प्रतिरोध बराबर होता है R बराबर V/I, तो वोल्टेज का विमीय सूत्र ऊपर लिखिए M1L2T-3A-1, और नीचे धारा के लिए क्या लिख दोगे A1, ये ऊपर चला गया तो M1L2T-3A-2, यही आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है। तो आप साफ साफ कह दिए कि ये किसका, किसकी डायमेंशन है बताओ, प्रतिरोध की। अब आपसे आगे की भी पूछ ले, चालकता जी बराबर 1/प्रतिरोध, प्रतिरोध का उल्टा होती है तो विमीय सूत्र को भी उल्टा कर दो,
एम माइनस वन एल माइनस टू टी थ्री ए टू उल्टा कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और प्रतिरोधकता जो होती है उसका मात्रक होता है ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। तो जो प्रतिरोध का है उसमें क्या जोड़ देनी है आपको, लंबाई से गुणा कर देना है। तो एम वन एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू, ये तो हो गया ओम का प्रतिरोध का, और लंबाई का हो गया एल वन, ये जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा एम वन एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस टू, ये लो हो गया साफ विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। ये डायमेंशन चारों मैंने जब थ्योरी पढ़ाई है तो मैंने वहां पर सिखाई भी है कि आपको इनको ऐसे बनाना है, समझाया भी है, ठीक है। चलिए चलिए बढ़ते हैं आगे, डायमेंशन के प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं। प्रश्न अगला देखिएगा, बार्न क्षेत्रफल की इकाई है, देखिए ये कनेक्ट होते हुए टॉपिक है बार्न, और बार्न जो है 10 की पावर माइनस 28 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, एरिया की एक यूनिट है, 10 टू द पावर माइनस 28 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, और ये एरिया के रूप में, क्योंकि एरिया जो है वो आपके विद्युत फ्लक्स में भी काम आता है, चुंबकीय फ्लक्स में भी काम आता है, तो एरिया की फॉर्म में इसको कहीं पे भी काम में लिया जाता है छोटी जगहों पर, है ना। तो इसलिए 10 की पावर माइनस 28 मीटर स्क्वायर इसको बोलते हैं बार्न। अगला प्रश्न, कौन सा मात्रक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल टेस्ला है, गॉस है, वेबर मीटर स्क्वायर नहीं है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ये नहीं है, ऑरस्टेड है, और एम्पियर प्रति मीटर भी है, ठीक है। तो ये रहा बात समझ में आ गई। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक के बारे में बात करी जाती है ना, तो आपके सामने यहां पर ऑप्शन बन जाते हैं, तो वेबर मीटर स्क्वायर नहीं है, ये वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, ठीक है। चलिएगा अब आगे बात करते हैं, बोलो कोई टेंशन कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रेंथ की जो यूनिट है एम्पियर पर मीटर भी है, ठीक है। अगला प्रश्न, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र किसको त्वरित नहीं कर सकता, देखो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट एक्सीलरेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग, एक्सीलरेट का मतलब स्पीड बढ़ाना, ये कह रहा है विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र किसकी स्पीड नहीं बढ़ा सकता। देखो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या चाहिए भाई, चार्ज चाहिए, आवेश चाहिए, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव है, अल्फा कण पर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन जो है वो चार्जलेस है, चार्जलेस होने के कारण न्यूट्रॉन जो होता है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी डाइवर्जन नहीं महसूस होता, किसी भी प्रकार का विचलन महसूस नहीं होता। प्रश्न अगला, इसी तार का प्रतिरोध कितना है भाई, 40 ओम है, अच्छा प्रश्न है ना, तार की लंबाई को आयतन में परिवर्तन किए बिना 5 गुना कर दिया गया है, नए तार का प्रतिरोध बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है, और इस प्रकार के प्रश्न मैं चाहता हूं कि मैं मतलब आपको बार बार रिपीट करवाऊं ताकि आप इस प्रकार के कॉन्सेप्ट्स के रूबरू हों, क्योंकि ये इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है बहुत गलती करवाते पेपर में। देखो समझो, देखो ये तार होता है और ये तार की लंबाई है और ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इन दोनों को गुणा करते हैं तो तार का आयतन निकल जाता है, इसका मतलब दो आयतन समान है, इसका मतलब A1 L1 बराबर A2 L2 समान है, ठीक है, अरे दोनों आयतन समान है दो तारों के, तो A1 L1 A2 L2 समान है। अभी कह रहा है आयतन में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे है ना, और लंबाई को 5 गुना कर दिया, सिंपल सी बात है, अगर आप लंबाई को 5 गुना कर रहे हो और मान आपको बराबर रखना है तो सिंपल सी बात है क्षेत्रफल को आपको 1/5 गुना करना पड़ेगा भाई, अगर A1 L1 और A2 L2 बराबर है, अब आपने L2 को L1 से 5 गुना कर दिया और वैल्यू आपको बराबर रखनी है, तो पक्का आपको A2 को A1 से 1/5 करना पड़ेगा, 1/5 से 5 कट जाएगा, वैल्यू वही 1 बराबर आ जाएगी, ठीक है, इसका मतलब है लंबाई को 5 गुना किया है, क्षेत्रफल को 1/5 गुना किया है, ठीक है। अब प्रतिरोध को हमने पढ़ा है, प्रतिरोध बराबर होता है L/A, ठीक है, लंबाई को 5 गुना किया तो आपका प्रतिरोध कितने गुना होगा, 5 गुना होगा, क्षेत्रफल को 1/5 किया इसका व्युत्क्रमानुपाती है तो भी प्रतिरोध कितने गुना होगा, 5 गुना, उल्टा हो जाएगा तो देखा जाए प्रतिरोध कितने गुना हो गया, 25 गुना, पर 25 गुना में पहले कितना था, 40 था, 25 को 40 से मल्टीप्लाई कर दिया, 25 × 100 और हमारा उत्तर आ गया 1000 ओम, कितना उत्तर आएगा अपना, 1000 ओम अपना उत्तर बन जाएगा। स्टैंडर्ड क्वेश्चन की लिस्ट में रखता हूं, अपने पसंदीदा प्रश्नों की लिस्ट में हमेशा इसे मैं टॉप पर रखता हूं, क्योंकि अच्छा प्रश्न है, लॉजिकल प्रश्न है और आपसे गलती करवाने के लिए तैयार बैठने वाला प्रश्न है, ऐसा प्रश्न है जो आपसे सेकंडों में क्या करवा देगा, गलती करवा देगा। प्रश्न अगला,
बहुलक एक विशाल अणु है पॉलीमर, बिल्कुल पॉलीमर की परिभाषा में पहली लाइन यही है, छोटी छोटी मोनोमर यूनिट, छोटी छोटी एकलक इकाइयों की पुनरावृत्ति से, रिपीटेशन से बनने वाला विशाल अणु क्या कहलाता है सर? पॉलीमर कहलाता है। और पॉलीमर का जो अणु भार होता है 10^3 से 10^7 डाल्टन होता है। मैं नहीं कह रहा, ये बात कौन कह रही है? एनसीईआरटी कह रही है, एनसीईआरटी 12th क्लास में बहुलक की परिभाषा में साफ साफ लिखा हुआ ये, ठीक है, क्लियर। प्रश्न अगला देखिएगा, नाभिक का आकार का क्रम किस रेंज में होता है? तो नाभिक का आकार फेमटोमीटर या कह सकते हैं फर्मी मीटर रेंज में होता है। नाभिक का आकार 10^-15 रेंज में होता है, फर्मी मीटर रेंज का होता है न्यूक्लियस, बहुत छोटा होता है, ठीक है, फर्मी मीटर 10^-15। नेक्स्ट ये कह रहा है वीटी ग्राफ द्वारा घेरा गया एरिया किस राशि को बताता है? वैसे ये क्वेश्चन कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, फिर भी एरिया काफी जगह पूछा जाता है तो इसलिए हो सकता है कि पूछ लें। वीटी ग्राफ दोस्तों देखिएगा, वी का मतलब होता है वेग, टी का मतलब होता है समय। अभी कह रहा है वीटी ग्राफ द्वारा घेरा गया एरिया, किसी भी ग्राफ द्वारा घेरा गया एरिया जो होता है ये दो राशियों को बताता है, किसी भी ग्राफ द्वारा घेरा गया एरिया दोनों राशियों के गुणनफल को बताता है, किसी भी ग्राफ के द्वारा घेरा गया एरिया इसको बताएगा उनके गुणनफल को, ठीक है। तो वेग और समय का गुणनफल क्या कहलाता है? विस्थापन। वेग और समय का गुणनफल क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। क्यों? क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टा समय, तो विस्थापन बराबर हो जाएगा वेग बट्टा समय, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वैसे होना नहीं चाहिए था यहाँ पे, बट फिर भी कोई बात नहीं आ गया। तो विस्थापन, विस्थापन की यूनिट क्या होती है? मीटर, ठीक है, कनेक्टेड क्वेश्चन है, टॉपिक से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन, सुक्रोज की तुलना में सबसे ज्यादा मीठा कौन है? सुक्रोज किसको बोलते हैं भाई? चीनी को। उत्तर आप देखिएगा, चीनी होती है C12H2O11। सुक्रोज को बोला जाता है केन सुगर, गन्ने की शर्करा, केन सुगर, इक्षु शर्करा, व्यापारिक शर्करा, ये सारे नाम किसके हैं? व्यापारिक शर्करा, ये सारे नाम जो है ये किसके हैं भाई? ये सारे नाम सुक्रोज के हैं, C12H2O11। सुक्रोज चीनी है, अपने जो घरों में काम में ली जा रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है सुक्रालोज, 600 गुना मीठा है सुक्रोज के कंपैरिजन में, एलीटेम लगभग 2000 गुना मीठा है, एस्पार्टेम लगभग 100 गुना मीठा है और सैकरीन लगभग 550 गुना मीठा है। अब आप कहेंगे चारों क्या है? ये भैया कृत्रिम मधुरक है, ये आर्टिफिशियल स्वेटनर है जो डायबिटीज के पेशेंट के भोजन को मीठा करने के लिए काम में लिए जाते हैं और इनका बॉडी में कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता, इनसे हमें 0 कैलोरी एनर्जी मिलती है, बॉडी में पचते नहीं है, केवल भोजन को मीठा करते हैं, क्योंकि आपको पता है डायबिटिक पेशेंट को मीठा खाने से मना कर दिया जाता है, तो वो बेचारा मीठे के लिए तड़पता है, तो उसके भोजन को मीठा करने के लिए दिया जाता है, ठीक है, और जिससे कि वो उसका भोजन मीठा हो जाए, बाकी इसका कोई मेटाबॉलिज्म नहीं है, बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा सबसे ज्यादा मीठा कौन सा है कंपैरिजन में? एलीटेम है ना, कृत्रिम मधुरक। प्रश्न अगला, कृत्रिम मधुरकों के प्रति ग्राम द्रव्यमान से कितनी ऊर्जा मिलती है? देखो अभी अभी बात की है तो उत्तर क्या बनेगा? 0 कैलोरी, इनसे हमें 0 कैलोरी एनर्जी मिलती है, इनसे हमें जो है ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती, ये पोषक नहीं होते, इनका मेटाबॉलिज्म में कोई रोल नहीं होता, ठीक है। प्रश्न अगला देखिएगा, RCOOR किसका सूत्र है? देखो भाई R जो होता है ये एल्किल ग्रुप को बोलते हैं, एल्केन में से एल्केन जो होता है उसमें कार्बन हाइड्रोजन होते हैं, एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो एक जगह खाली निकल जाती है ना, उस खाली जगह पे कुछ भी हम जोड़ सकते हैं, तो ये जो ग्रुप है इसको एल्किल बोलते हैं। अब इसमें OH जोड़ दिया तो ये बन जाता है एल्कोहल, इसमें अगर क्या जोड़ दिया, CHO जोड़ दिया तो ये बन जाता है एल्डिहाइड, है ना, इसमें अगर आपने OR जोड़ दिया दो तरफ एल्किल ग्रुप, बीच में O जोड़ दिया तो ये बन जाता है ईथर, अगर इसमें COOH जोड़ दिया तो ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसमें अगर आपने COOR कर दिया, जो भी पूछा गया आपसे RCOOR, तो हो जाता है एस्टर, अगर RCOR आ गया तो ये बन जाता है कीटोन, ठीक है, क्लियर। तो ये क्या है बताओ, पहचान के तरीके हैं, R के पीछे Cl तो क्लोराइड, Br तो ब्रोमाइड, है ना, R के पीछे I लगा दिया आयोडाइड, ठीक है, क्लियर। इस तरह से आप इनके क्या बन पहचानते हो, ग्रुप पहचानते हो, ठीक है। तो पूछ रहा है RCOOR क्या होगा, तो RCOOR बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, एस्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एस्टर, है ना। ये फॉर्मूले पहचानने के तरीके जो है मैंने आपको क्लासरूम में अच्छे से समझाए हैं, ठीक है।
प्रश्न अगले पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, देखिए एरोमेटिक बेंजीन और बेंजीन के बने हुए कंपाउंड स्पेशली एरोमेटिक होते हैं। ठीक है, जैसे बेंजीन की बात करते हैं, बेंजीन तो खुद आप जानते ही हैं, बेंजीन के कंपाउंड टोलुइन जो होता है ये बेंजीन से ही बनता है। टोलुइन, टोलुइन में क्या होता है, एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ मेथिल लगा देते हैं। फिनोल, फिनोल में OH लगा देते हैं, ये भी बेंजीन से ही बनता है। ठीक है, क्यूरेन की बात करते हैं, ये आपका जो है किससे बनता है, ये क्यूरेन, क्यूरेन जो होता है ये कुछ इस तरह से होता है, ये फ्यूरेन है। ठीक है, क्लियर। तो अब बात कर रहे हैं एरोमेटिक की बात कर रहे हैं, तो फ्यूरेन भी आपका क्या मिलेगा, आपको एरोमेटिक ही मिलेगा, इनमें से चारों में से कोई भी आपका नॉन एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, फ्यूरेन की बात करते हैं, फ्यूरेन के अंदर देखो जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनकी पहचान का नियम है, पहले तो साइकिल होनी चाहिए, चक्र होना चाहिए, है दूसरा एकांतर क्रम पे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या लोन पेयर होने चाहिए। देखो डबल सिंगल, डबल सिंगल, लोन पेयर सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, लोन पेयर सिंगल, डबल, बिल्कुल एकांतर क्रम में है। और पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होनी चाहिए, दो पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है होनी चाहिए आपके 2, 6, 10 इस तरह से, है ना। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स देखो डबल बॉन्ड पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगले डबल बॉन्ड पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये लोन पेयर पे भी आप पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 गिन लेते हो, 2, 2, 4, 2, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, ये भी एरोमेटिक। तो एरोमेटिक, 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 चारों एरोमेटिक है। ठीक है, तो इनमें से कोई सही नहीं बनेगा उत्तर, पांचवा ऑप्शन जोड़ना पड़ेगा, नन ऑफ दी, समझ गए क्या। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से एलिफेटिक यौगिक, देखो एलिफेटिक यौगिक वे होते हैं जो रेखीय होते हैं, है ना, एल्केन एलिफेटिक है, एल्कीन एलिफेटिक है, एल्काइन एलिफेटिक है, कोई नहीं। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एलिफेटिक यौगिक होते हैं, इनमें कोई विशेष गंध नहीं होती, इनमें सिंपल सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, इनमें किसी भी प्रकार की श्रृंखला, किसी भी प्रकार की श्रृंखला तो बनती है, लेकिन इनमें क्या नहीं होता, इनमें चेन नहीं बनती, इनमें जो साइकिल नहीं बनता, इनमें रिंग नहीं बनता। ठीक है, इनके अंदर क्या नहीं बनती है, रिंग नहीं बनती है, इनके अंदर चक्रीय संरचना का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, एलिफेटिक का मतलब होता है रेखीय, रेखीय का मतलब विवृत, बिना व्रत के, नो सर्किल, नो रिंग। ठीक है, अगला प्रश्न देखने का, वे एलिफेटिक यौगिक जिनमें हाइड्रोजनों की संख्या कार्बन के दुगने से कम होती है, देखो एल्केन CnH2n+2, देखो हाइड्रोजनों की संख्या कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा है ना, एल्कीन CnH2n हाइड्रोजनों की संख्या कार्बन के दुगने के बराबर है, एल्काइन CnH2n-2 देखो हाइड्रोजनों की संख्या कार्बन के डबल से कितनी कम है, 2 कम है, तो ऐसा ग्रुप क्या कहलाएगा आपका, एल्काइन कहलाएगा, जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन इस लेस देन द डबल ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन का जो भी नंबर है उसके डबल से क्या होता है, कम होता है नंबर ऑफ आपके क्या, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, प्रश्न अगला है, कूड़े कचरे से कंपोस्ट बनेगा, श्वसन एक प्रकार की दहन अभिक्रिया है, कोयले का दहन, ईंधन का दहन, जलाओगे भाई क्या निकलती है, ऊष्मा, अरे ईंधन जलाते हो, डीजल पेट्रोल, ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा को कार में बदलता है, कार का इंजन और आपकी गाड़ी धड़ाधड़ चलती जाती है, धर्राटे मारती हुई, तो भाई कैसी अभिक्रिया है, ऊष्मा क्षेपी, और श्वसन से, श्वसन से भी हमें क्या मिलती है, ऊष्मा मिलती है, कोयले को जलाते हो, लकड़ी को जलाते हो, दहन से भी क्या मिलती है, ऊष्मा, तो अभिक्रिया कैसी हो गई भाई, ऊष्मा क्षेपी हो गई, एक्सोथर्मिक हो गई। प्रश्न अगला, कौन सी अभिक्रिया द्विविस्थापन होगी, देखो न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण, एसिड और बेस की अभिक्रिया, एसिड और बेस की अभिक्रिया करते हैं तो NaOH+HCl। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, ये इसकी जगह, ये इसकी जगह, हो गया द्विविस्थापन, बिल्कुल हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान भी हो रहा है, देखो Na+OH- H+Cl-। ठीक है, इसका प्लस इसके माइनस से, इसका प्लस इसके माइनस से, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, ये भी करेक्ट है ना, Na2SO4BaCl2BaSO4 2NaCl, बिल्कुल आदान प्रदान हो रहा है, तो उत्तर क्या बन गया आपका, ऑल ऑफ दीज, सभी के सभी अभिक्रिया क्या हो गई, द्विविस्थापन हो गई। ठीक है, आगे बात करें, अगला प्रश्न, अमेल छांटो, बहुत अच्छा प्रश्न है, यहां से प्रश्न सीईटी में पूछा गया, चांदी वायु में काली पड़ जाती है किसके कारण, सिल्वर सल्फाइड के कारण, कौन सा यौगिक बन जाता है, चांदी वायु में मौजूद H2S गैस से क्रिया करके और जो है सिल्वर सल्फाइड बना लेती है जिसके कारण काली पड़ जाती है ना, तांबे को वायु में छोड़ोगे अगर हरा पड़ रहा है तो कॉपर कार्बोनेट के कारण, नीला हरा पड़ रहा है LDC 2018 का क्वेश्चन है, तो कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड के कारण। ठीक है, भूरा जो तांबा होता है उसको वायु में उपस्थित, वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो काला पड़ जाएगा,
पर ये कॉपर कार्बोनेट के कारण नहीं, कॉपर ऑक्साइड के कारण पड़ता है। तो ये आपका गलत हो गया, यही आपका उत्तर है। एक चीज और याद रखिएगा, लोहे को भी अगर ऑक्सीजन प्लस नमी के साथ छोड़ दें तो लोहा भी ऑक्साइड की परत बना लेता है Fe2O3.XH2O, और ये होती है जंग, और ये कैसा हो जाता है, गहरा भूरा डार्क ब्राउन कलर ले लेता है लोहा, ठीक है। और ये भी एक प्रकार की रस्टिंग है, ये भी एक प्रकार का संक्षारण है। तो गलत छांटना था, मैंने आपको 5 प्रश्न एक प्रश्न में समझाए हैं जो कि एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रश्न अगला रहा, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या बोलते हैं, भाई संक्षारण बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। विकृति गंधता क्या होती है, जो ऑयली चीजें होती हैं उनका ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीकरण होने पर उनका स्वाद और उनकी गंध खराब हो जाती है, उसको क्या बोला जाता है, विकृति गंधता के नाम से उसे जाना जाता है, उसे रेंसिडिटी के नाम से जाना जाता है। इज दैट क्लियर, ठीक है। प्रश्न अगला देखिएगा, आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरते हैं भैया, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है किसको रोकने के लिए, ऑक्सीडेशन रोकने के लिए, टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रोकने के लिए क्या भरते हैं, है ना, वहां पे नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन नहीं रुका तो भैया वहां पे उनकी जो टेस्ट है, उनका जो गंध है वो खराब हो सकता है विकृति गंधता के कारण। दोस्तों रामबाण बैच जिसमें कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कंप्लीट साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी और स्पेस टेक नैनोटेक डिफेंस टेक एनवायरमेंट सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो 60% डिस्काउंट चल रहा है, 1499 फीस है, बीके पाठक 60 कोड लगाइए, जस्ट 599 रुपीस में आपको 1 ईयर के लिए विद हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम PDF आपको सारा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा बाइलिंगुअल अप्रोच के साथ, नंबर दिए गए हैं। अगला प्रश्न है पोटाश एलम, पोटाश एलम फिटकरी K2SO4.Al2SO4 का हॉल थ्राइस .24H2O, दो लवण है पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट, इट्स अ डबल साल्ट, किस प्रकार का लवण हो गया, द्विक लवण हो गया भाई, ठीक है। प्रश्न अगला है किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल नहीं होता, देखो पीछे जो डॉट के साथ जल लगाया जाता है उसको क्रिस्टलीकरण का जल बोलते हैं, नीला तोता CuSO4.5H2O, 5 अणु है जल के, बेकिंग पाउडर NaHCO3, है ना, वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, इनको इसी तरह फॉर्मूलों को याद करना होता है, पढ़ाए हैं मैंने, जिप्सम CaSO4.2H2O, तारों में जल के अणु पाए जा रहे हैं, है ना, तो बच गया कौन सा, बेकिंग सोडा, इसमें जल के अणु पीछे नहीं है, ये अपना उत्तर है। प्रश्न अगला है कौन सा प्रबल अम्ल नहीं है, देखो H2SO4 स्ट्रॉन्ग है, कार्बोनिक एसिड H2CO3 वीक है, नाइट्रिक एसिड HNO3 स्ट्रॉन्ग है और HCl स्ट्रॉन्ग है, और आपके वीक पूछ ले HF हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बेंजोइक एसिड एसिटिक एसिड, ठीक है, आपका क्या बोलते हैं H2CO3 हो गया, HF हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, ये सब कैसे हैं भाई, ये सब दुर्बल अम्ल हैं, कैसे अम्ल हैं, दुर्बल वीक एसिड्स हैं, ठीक है। प्रश्न अगला देखिएगा, ग्लूटेमिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, बेटा ग्लूटेमिक अम्ल अनाज गेहूं आदि में पाया जाता है, गन्ने की बात करें तो ग्लाइकोलिक एसिड मिलता है, ये आपके इकोनॉमिक इंपोर्टेंस वाला जो टॉपिक है वहां से, संतरा के अंदर आपको सिट्रिक अम्ल मिलेगा और सेब के अंदर आपको कौन सा अम्ल मिलेगा, मैलिक अम्ल मिलेगा, ठीक है। तो याद रखना है गेहूं अनाज जितने भी होते हैं उनमें कौन सा एसिड पाया जाता है, ग्लूटेमिक एसिड वहां पर पाया जाता है। प्रश्न अगला, क्रियाशीलता के आधार पर कौन सा क्रम धातुओं की क्रियाशीलता को, है ना, बढ़ती हुई क्रियाशीलता को दर्शा रहा है, ट्रिक पढ़ी थी देखो, लीना के बापू ने काका से, लीना के बापू ने काका से मांगी अलमारी जमीन करोड़ रुपए, उसके बाद लोहे की सीढ़ी को नीचे से पुतवाओ, उसके बाद तांबे चांदी की प्लेट और सोना दो, ये ट्रिक है ना, ये ट्रिक थी क्या, लीना के बापू ने काका से मांगी अलमारी जमीन करोड़ रुपए, लोहे की सीढ़ी को नीचे से पुतवाओ, तांबे चांदी की प्लेट और सोना दो। अब इनमें देखना है आपको, बढ़ती हुई क्रियाशीलता बतानी है आपको, है ना, अब इनमें सबसे ऊपर कौन सा आ रहा है बताओ, सबसे ऊपर इसमें सोडियम आ रहा है, देखो ये सोडियम रहा, सोडियम बाद मैग्नीशियम रहा, तो सोडियम मैग्नीशियम वाले देख लो, सोडियम मैग्नीशियम ये रहे, मेरे हिसाब से ये बेटर सोडियम मैग्नीशियम आयरन जिंक, अरे नहीं क्यों, क्योंकि देखो आयरन आगे जिंक ऊपर है, ठीक है, तो इसलिए ये उत्तर बनेगा सोडियम सबसे ज्यादा, अरे सोडियम देखो ऊपर ही ऊपर रहा, उसके बाद मैग्नीशियम रहा, उसके बाद जिंक रहा, उसके बाद आयरन रहा, ठीक है, तो हमने एक ऑर्डर में इनको क्या कर दिया, सेट कर दिया। प्रश्न अगला, धातुओं का कौन सा गुण घंटियां और सितार वायलिन आदि में आवाज पैदा करने के लिए काम में आता है, उसे क्या बोलते हैं, सोनोरसनेस, ध्वनिकता, क्या बोलते हैं,
सोनरसनेस। मेलेबिलिटी इसको बोलते हैं आघात वर्धनीयता, पीटने पर फैलना। तन्यता इसका मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, खींचना, तार बनाना। और कंडक्टिविटी चालकता, जिसके कारण धातुओं में विद्युत का चालन होता है। ठीक है, प्रश्न अगला देखना। सोडा लाइम, वेरी गुड। सोडा लाइम का प्रयोग किया जाता है अभिक्रियाओं में। ये मिक्सचर है सोडियम हाइड्रोक्साइड और चूने का। सोडा लाइम, कास्टिक सोडा और चूने का मिश्रण क्या कहलाता है? सोडा लाइम कहलाता है, जिसका रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए बोलो भाई। सोडा लाइम, ठीक है। प्रश्न अगला देखिएगा। सोने के सोडे का रासायनिक सूत्र, भाई NH2SO4.NH2, इसको बोला जाता है ग्लोबर साल्ट। ग्लोबर साल्ट NHCO3, इसको बोला जाता है खाने का सोडा, मीठा सोडा, बेकिंग सोडा। ये आपका वॉशिंग सोडा है Na2CO3.NH2O। और ये क्या बताओ, ये है चूने का पानी या बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूने का पानी या बुझा हुआ चूना, ठीक है, समझ रहे होंगे, बेहतरीन अप्रोच के साथ। ठीक है, प्रश्न अगला देखिएगा। आवर्त सारणी में कितने ऐसे तत्व हैं जिनमें Z बराबर A है, जिनमें परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या एक ही है? बताओ तो भाई, एक ही है, 1H1 हाइड्रोजन। इसके अलावा ऐसा कोई भी तत्व नहीं मिलेगा जिसमें द्रव्यमान संख्या परमाणु क्रमांक एक ही हो, है ना, क्योंकि सब में न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन एक हाइड्रोजन ही है जिसमें क्या नहीं होता, न्यूट्रॉन नहीं होता। और न्यूट्रॉन नहीं होने के कारण ये आपका दोस्तों 1H1, नीचे भी सेम ऊपर भी सेम। डी ब्लॉक के वे तत्व जो संक्रमण तत्व नहीं कहलाते, देखो डी ब्लॉक के तत्वों को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, क्यों? क्योंकि बाहर इलेक्ट्रॉन डाल दिए हैं सबसे बाहरी कक्षा में, और उससे नीचे वाली कक्षा खाली रहती है। मतलब ऐसा मानना है एक तरीके से कि किसी गाड़ी में 4 सीटें हैं, तीसरी सीट पे जगह है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग चौथी सीट पे जाके बैठ गए, इसलिए बोला संक्रमण तत्व, है ना, ठीक है। लेकिन जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये तीनों जो होते हैं, इन तीनों के अंदर इस प्रकार का सिस्टम नहीं पाया जाता, इसलिए तीनों को संक्रमण तत्व नहीं मानते, अपवाद है ये डी ब्लॉक के अंदर, है ना। तो इसलिए ये प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, प्रश्न अगला देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखो, सोना, चांदी, प्लेटिनम को उत्कृष्ट धातुएं कहते हैं, करेक्ट है। डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं, करेक्ट है। ग्रुप 16 के तत्व ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन परिवार, चैल्कोजन तत्व कहलाते हैं, करेक्ट है। ग्रुप 10 के तत्व को, अरे ग्रुप 10 के तत्व सिक्का धातु नहीं कहलाते, ग्रुप 11 के कहलाते हैं कॉपर, चांदी, सोना, नॉट ग्रुप 10, इट इज ग्रुप 11। तो उत्तर आपका क्या बन गया भाई, ये गलत हो गया, और जो गलत हो गया वही आपका सही हो गया। ठीक है, अरे ग्रुप 11 के तत्व हैं जिनको सिक्का धातु कहते हैं, तांबा, चांदी, सोना। ठीक है, बोलिएगा, बताइएगा, चलो कोई समस्या, कोई टेंशन नहीं होगी। प्रश्न अगला देखिएगा। किस वर्ग के तत्वों को दुर्लभ मृदा धातु, वेरी गुड, ग्रुप 3, और ग्रुप 3 में भी सारे नहीं, केवल 17 तत्व। 17 तत्व कौन कौन से? स्कैंडियम, यट्रियम, लेंथेनम प्लस 14 लेंथेनाइट। टोटल 17 तत्व हैं जिनको दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। बिल्कुल बाकायदा मैंने पढ़ाया है, 17 तत्व हैं जिनमें स्कैंडियम, यट्रियम, लेंथेनम, और लेंथेनम की जगह पे 14 लेंथेनाइड होते हैं। तो टोटल 17 तत्व हैं, इनको रेयर अर्थ एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। किसके अंदर आते हैं? ग्रुप नंबर 3 में। ठीक है, प्रश्न अगला देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम संख्या है जो सेल में मौजूद होती है? तो भाई 32। अरे पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 18 और चौथी में 32, ये मैक्सिमम नंबर है जो किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स का पाया जाता है। प्रश्न अगला देखिएगा। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में, आप कह रहा है दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम संख्या, तो भाई 8। अरे सेकंड में 8, फर्स्ट में 2, थर्ड में 18 और फोर्थ में कितनी, 32, है ना। तो सेकंड में कितने हो गए भाई, 8। ठीक है, प्रश्न अगला देखिएगा। एक भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम एक विशिष्ट मूल कण की खोज के साथ जुड़ा हुआ है, अरे हिग्स बोसोन, जिसको ईश्वरीय कण कहते हैं, और बोसोन में बोस का नाम है सत्येंद्रनाथ बोस। ठीक है, तो सत्येंद्रनाथ बोस जी हैं भारतीय साइंटिस्ट, बोसोन के साथ इनका कनेक्शन है। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु स्पिनिंग होती है? नो मास नो चार्ज बट स्पिनिंग, तो न्यूट्रिनो, और न्यूट्रिनो के साथ एक नाम और याद कर लेना, इसका एंटी पार्टिकल, एंटी न्यूट्रिनो, मैंने सब पढ़ाया है। ठीक है,
मैं आसपास के सारे टॉपिक्स को कनेक्ट करते हुए ही आपको सिलेबस आगे बढ़ाया मैंने, ठीक है। प्रश्न अगला देखना, हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक नहीं है? प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है, भाई इरिडियम नहीं है, इरिडियम इज नॉट एन आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। प्रश्न अगला, अल्फा कण को प्रदर्शित किससे करते हैं? भाई हीलियम से। अरे अल्फा कण 2HE4, बस इस पे क्या कर देना है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दो, हीलियम का नाभिक है ना भाई, इलेक्ट्रॉन तो बाहर होते हैं तो एक तरीके से हीलियम का नाभिक नाभिक बच जाए, बस इलेक्ट्रॉन्स को हटा दो, नाभिक नाभिक बच जाए, वही क्या बन जाएगा, अल्फा का, ठीक है। प्रश्न अगला, Na प्लस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या, Na प्लस बताओ, प्रोटॉन तो 11 होंगे, ठीक है, और शुरुआत में इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसने एक त्याग दिया तो 11 में से एक घटा देंगे, इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 10, ठीक है। तो 11 इलेक्ट्रॉन और, अच्छा इलेक्ट्रॉन पहले लिखना है, प्रोटॉन बाद में, तो 10 इलेक्ट्रॉन और 11 क्या हो गए आपके, प्रोटॉन हो गए, ठीक है। 39 क्वेश्चन कर चुके हैं, 40th पे आइए। भारी जल का आणविक द्रव्यमान, भारी जल होता है D2O, ड्यूटेरियम, और ड्यूटेरियम जो होता है वो 1H2 होता है, ड्यूटेरियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, तो बताओ 2 ड्यूटेरियम है, तो 2 और 2 4 प्लस ऑक्सीजन का हो गया 16, 16 और 4 20, तो याद रखना साधारण जल का अणु भार 18 और भारी जल का, साधारण जल H2O का कितना होता है, 18 होता है, जबकि जो भारी जल होता है उसका कितना होता है, 20 होता है, समझ गए, इसलिए वो भारी है ना। देखिएगा दोस्तों, LDC की कंप्लीट तैयारी के लिए परीक्षा एप्लीकेशन पर जो कोर्स है बंपर डिस्काउंट के साथ मिल रहा है, फीस 3000 रखी है, लेकिन आप इसमें कोड लगा देंगे 2500 ऑफ, तो आपको 2500 रुपए का ऑफ मिलेगा, और मात्र 499 में LDC की एग्जाम तक वैलिडिटी के साथ ये कोर्स आपका होगा। इंक्वायरी नंबर्स आपको दिए गए हैं, पूरी टीम आपके सामने है, जबरदस्त कंटेंट, बेहतरीन कंटेंट के साथ, ठीक है, और 40 प्रश्न आपको रैपिड फास्ट मोड पे सॉल्व करवाए। परीक्षा प्रो दोस्तों, ये वो आपका टेस्ट सीरीज पैनल है जहां पर आपको लगभग 99 से ज्यादा टेस्ट सीरीज आपको एक बंच में मिलते हैं, जिनमें राजस्थान हाईकोर्ट, LDC, राजस्थान पुलिस है ना, आपका RSMSSB, LDC, CET, SSC, रेलवे, सबकी टेस्ट सीरीज यहाँ पर मिल जाती है। इसकी फीस जो है 499 है, लेकिन RJ40 कोड पर 40% डिस्काउंट चल रहा है, मात्र 299 रुपीज में आप जो है साल भर के लिए इन टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ तेज रफ्तार का जो सेशन है इंपॉर्टेंट लगा होगा, कुछ क्वेश्चंस पहले के इसलिए करवाए ताकि आप इन क्वेश्चंस को बार बार देख के इनके कॉन्सेप्ट्स को सीख लें, समझ लें, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रैक्टिस सेशंस का फायदा यही है कि रिपीटेशन ऑफ द क्वेश्चंस, रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, तो दिमाग में घर कर जाते हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आगे आपसे बात अगली कक्षा में होगी बच्चों, तब तक के लिए लेता हूं मैं आप सबसे विदा, टाटा बाय बाय, जय हिंद।